भाई यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लग रही है? क्या है? ओ भाई ये तो लैम्बोर्गिनी है और इनकी जी वैगन। ये ईवी में है क्या? ये रही लैम्बो की। और इनकी वी क्रॉस खड़ी हुई है जिस पर ऊपर टेंट लगा है। भाई टायर देखो भाई कितना ज़्यादा चौड़ा है। इतना चौड़ा टायर मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी कार में। सबसे यूनिक मुझे इसमें ये लगा है कि यहाँ पर ग्रिल्स में भी लाइट में दी गई है। वॉल्वो का काफ़ी अल्टीमेट यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रक खड़ा हुआ है। भाई होंडा का इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल गया है अभी अपने सामने खड़ा हुआ है। ये रहा भाई, ये है BMW की सबसे लग्जरी कार। भाई अभी मैं हूँ भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में और यहाँ पर बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के ब्रांड आए हुए हैं, बहुत सारे प्रीमियम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बाइक्स भी हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में इसको पूरा कवर करने वाला हूँ, एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। अब मैं आ गया हूँ दूसरे हॉल पर और यहाँ पर कई सारे पवेलियन हैं, जैसे कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखा है BMW का पवेलियन है, जहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मिनी खड़ी हुई है थ्री डोर वाली। इसका क्विक बैकग्राउंड करते हैं, काफ़ी अल्टीमेट इसके अलॉयज लग रहे हैं भाई। रियर से प्रोफाइल इसकी कुछ इस तरीके की है, ऊपर एस है ये। इंटीरियर देख लेते हैं इसका, फ्रेमलेस इसमें विंडोज मिलती है। ये रहा इसका लग्जूरियस इंटीरियर, काफ़ी अल्टीमेट है। सेंटर में मीटर दे दिया गया है, इधर भी है, नहीं इधर मीटर है, वो इंफोटेनमेंट सिस्टम, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई। नहीं कूपर एस यहाँ पर इनकी खड़ी है BMW की i4। रियर से प्रोफाइल इसकी कुछ इस तरीके की है, ई ड्राइव 3S है ये। अलॉयज कुछ इस तरीके के हैं, डोर हैंडल, इंटीरियर, फ्रंट से प्रोफाइल भी मैं दिखाता हूँ, काफ़ी अल्टीमेट। यहाँ पर i7 भी खड़ी हुई है, फ्रंट से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, काफ़ी अल्टीमेट लोगो, फ्रंट ग्रिल किडनी शेप में, काफ़ी बड़े इसमें अलॉयज दिए गए हैं। इंटीरियर देख लेते हैं, मेरा इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा रिच एंड काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस है। ये देखो इतनी लग्जरी कार मैंने आज तक नहीं देखी। ओ भाई डुअल टोन में एक्स टाइप 60, रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है i7 की, काफ़ी गजब। और यहाँ पर खड़ी है iX1, रियर से प्रोफाइल इसकी कुछ इस तरीके की है, इसको भी कवर करते हैं फटाफट से। इंटीरियर ये देखिएगा और फ्रंट से प्रोफाइल कुछ ऐसी है। यहाँ पर BMW की iX खड़ी है, फ्रंट से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, ये प्योर ईवी है। ये देखिएगा इसमें DRLs आगे की तरफ मिलते हैं, यहाँ पर अलॉयज कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। और इसमें अलॉयज कितने इंचेस के हैं पता है? मैं भी वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये काफ़ी बड़े लग रहे हैं यार। साइज इसका कहाँ गया? ये रहे 21 इंचेस के हैं। इसका इंटीरियर तो भाई लाजवाब है, अल्टीमेट है, किलर है सबसे। ये देखो काफ़ी गजब, रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है इसकी, फ्रेमलेस इसमें डोर मिलते हैं। इंटीरियर इसका काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट एंड काफ़ी ज़्यादा रिच है। देख लेते हैं एक बार को इंटीरियर भी। ये देखो काफ़ी गजब, काफ़ी ज़्यादा रिच है। इसमें सनरूफ ऑफर की गई है एंड इसमें कोई भी कर्टेन नहीं है सनरूफ में। ये देखो भाई इसके मीटर, स्टेयरिंग है ना जबरदस्त। और हाँ इसमें बीच में भी कोई भी सिस्टम नहीं है, आराम से इधर उधर पैर निकाल सकते हो। एंड ये रहा पूरा BMW का लाइनअप। अब चलते हैं सेकंड पवेलियन में। सेकंड पवेलियन है यहाँ पर, ये फोर्स का खड़ा हुआ है। यहाँ पर इनकी ये एक वैन है, काफ़ी बड़ी है, ट्रैवलर वाली। एक यहाँ पर ये आई थिंक ये एम्बुलेंस है, पता नहीं क्या है, ये CNG के लिए ट्रैवलर है। और यहाँ पर ये पवेलियन है Isuzu का SCAB X। ये देखिए इधर इनकी वी क्रॉस खड़ी हुई है जिस पर ऊपर टेंट लगा है। भाई ये देखो
अल्टीमेट। यहाँ पर इसकी काफ़ी सारी डिटेल हैं, जिसकी डिटेल मिल जाती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये टेंट लगाओ, आराम से ऊपर चढ़ जाओ। पीछे ये पूरा डाला 4x4 का। ओ भाई ने बहुत सारी क्रीम लगा दी इसमें। ये देखो, अनकट वीडियो बना रहा हूँ भाई, फटाफट से लाइक कर दो इसको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये मर्सिडीज बेंज का कलेक्शन खड़ा हुआ है, और यहाँ पर आई थिंक एक नई कार भी लॉन्च की गई है, वो देखिए सामने। आइए अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं इसको। यहाँ पर ये मर्सिडीज़ की AMG सीरीज में। ओ भाई, यहाँ पर और भी प्रीमियम सुपर कार्स हैं, उनको भी देखेंगे। मर्सिडीज ये इनकी खड़ी है AMG सीरीज में, ये भी आगे से ही, और ये कन्वर्टेबल वाली है, ये भी रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च की है। ये देखो, और इनकी जी वैगन, ये EV में है क्या? काफ़ी गजब का लुक है भाई इसका, लिटरली ऑसम। ये देखो, पूरा फुल फ्रेम में दिखाता हूँ। ये देखो भाई, डबल टोन अलॉयज़। देखो भाई, कितने इंचेस के हैं? 21 इंचेस के हैं इसमें। रियर से प्रोफाइल इसकी देखते हैं। ओ भाई, EQG कॉन्सेप्ट है ये मर्सिडीज का। ये देखो टायर्स, देखो भाई इसके कितने ज़्यादा अलग हैं सेगमेंट में, सबसे हटके, काफ़ी गजब। इसका इंटीरियर दूध की तरह सफ़ेद रखा है। ये देखो, सेकंड रो इसकी, और इसकी लास्ट रो फ्रंट से प्रोफाइल, फ्रंट रो की कुछ इस तरीके की है। ये देखो भाई, ये लेफ्ट साइड में स्टेयरिंग दिया गया है, यानी कि ये इंडियन यूनिट नहीं है, इंडिया में राइट साइड में होते हैं सिस्टम। काफ़ी ऊंची है ये जी वैगन, और ये रही इनकी कन्वर्टेबल, काफ़ी अल्टीमेट। SL55 है ये, और वो भी देख लेते हैं लगे यहाँ तो कौन सी है ये। देखिएगा GLE 53, अब चलते हैं सुपरकार की दुनिया में, वहाँ खड़ी है Lamborghini। चलो 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 भाई, मर्सिडीज को कवर कर लिया अपन ने। ये देखो इसकी लाइट, इसमें अंदर जाने के लिए आगे से भी जा सकते हैं, पीछे से भी जा सकते हैं, इधर से चलते हैं। यहाँ पर और भी बहुत कुछ, लैम्बो को देखते हैं अब। लैम्बो, ये रही भाई Lamborghini, कौन सी है ये? कमेंट करके बताओ कौन सी है ये। रहा इसका जबरदस्त पावरफुल इंजन। टायर देखो भाई, कितना ज़्यादा चौड़ा है, इतना चौड़ा टायर मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी कार में भाई। इसके अलॉयज अल्टीमेट हैं। कितने इंचेस के हैं? हाँ, 22 इंचेस के हैं। ये डोर इसका कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ खुलेगा, फुल फ्रेम में दिखाता हूँ। ये खड़ी लैम्बो। ये रहे इसके RPMs। ये देखो, ये रही इसकी फ्रंट प्रोफाइल। ये देखो, अल्टीमेट परफॉर्मेंस है भाई इसकी। और ये इंडिया वाला यूनिट नहीं है, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्टीयरिंग दिया गया है। ये देखिए, फुल फ्रेम में दिखाऊं लैम्बो को। ये रही लैम्बो की फुल प्रोफाइल। एक और वहाँ पर खड़ी हुई है, उसको भी कवर कर लेते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं देखने के लिए। ये देखिएगा इसकी फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, गजब अल्टीमेट। ये पोर्शे है भाई, ये लैम्बो नहीं है।
लैम्बो तो वही खड़ी है, यहाँ पर खड़ी है ऑडी, और ये कौन सा वेरिएंट है, ऑडी आरएस ई-ट्रॉन जीटी। काफ़ी अल्टीमेट यहाँ पर कार्स खड़ी हुई हैं भाई, ये देखो रियर से प्रोफाइल इसकी, और यहाँ पर एक खड़ी हुई है स्कोडा की एनयाक, ये देखो रियर से प्रोफाइल 85। ये काफ़ी लंबी लग रही है और इसकी हाइट थोड़ी सी कम रखी गई है। व्हील्स इसमें 19 इंचेस के व्हील ऑफर किए गए हैं, और भाई फ्रंट से प्रोफाइल इसकी कुछ इस तरीके की है। सबसे यूनिक मुझे इसमें ये लगा है कि यहाँ पर ग्रिल्स में भी लाइट में दी गई है, और यहाँ पर खड़ी हुई है इनकी क्वार्टर्स वॉक्सवैगन की जीटी सीरीज। तो भाई ये वाला जो पवेलियन है वो अपन ने कवर कर लिया है, वहाँ पर ये होंडा का पवेलियन है, इसको भी देख लेते हैं अपन चल के। ये देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पर बाइक खड़ी हुई है CB300F, एंड यहाँ पर काफ़ी सारे उनके जनरेटर एंड ये स्ट्रीमर के लिए यहाँ पर इनकी एलिवेट खड़ी हुई है नई वाली, इसका मैंने वॉकराउंड किया था लॉन्च पर। ये इनकी होंडा सिटी खड़ी हुई है, और यहाँ पर इनका एक स्कूटर भी खड़ा हुआ है जो कि ईवी में है, किस नाम से है, बैनली, होंडा बैनली। काफ़ी सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई हैं, एंड इसमें दो बैटरी लगती हैं कुछ इस तरीके से, और ये मुझे लगेज वगैरह के लिए ले जाने के लिए थोड़ा कमर्शियल टाइप का लग रहा है। इसका ये रहा मीटर, बैटरी वाला सिस्टम इसमें वही वाला है जो अभी कंपनी ने लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, बैटरी निकालो अपनी लगाओ और चल दो, काफ़ी अच्छा सिस्टम है। और ये होंडा का कटर रखा हुआ है इधर, और ये घास काटने वाली मशीन, कुछ नहीं छोड़ेंगे सब दिखा देंगे। ये देखो ये वो ब्लोअर, तो हाँ ब्लोअर ही है। आगे चलते हैं पवेलियन में, इधर ये आयसर का तो शोरूम कह रहा हूँ मैं, शोरूम नहीं भाई पवेलियन लगा है। इधर देखते हैं क्या है, उधर ये वॉल्वो का भी है, वॉल्वो भी देख लेंगे फटाफट से। आयसर देख लेते हैं अपना, इसमें कुछ है नया जो कि लॉन्च होने वाला है। ये देखो यहाँ पर आयसर की बस खड़ी हुई है, और ये एक इलेक्ट्रिक बस है, आयसर का ट्रक खड़ा हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक है या फिर कुछ और सिस्टम है इसका, ये देखो नहीं ये इलेक्ट्रिक नहीं है, ये आई थिंक हाइड्रोजन वाला है। ये देखो LNG, ये रही इनकी इलेक्ट्रिक बस, और यहाँ पर काफ़ी सारे इनके मटेरियल्स रखे हुए हैं, पार्ट्स रखे हैं। ये रहा इनका ट्रक, और ये काफ़ी जल्दी लॉन्च करेंगे तब वो मैं दिखाऊंगा। चलिए हैं वॉल्वो के पवेलियन पर, कुछ हो सकता है बर्ड्स ऊपर नीचे हो जाएं, सब गलत हो जाएं तो उनको माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं अनकट वीडियो बना रहा हूँ सब कुछ दिखाने के लिए, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये देखो वॉल्वो का काफ़ी अल्टीमेट यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रक खड़ा हुआ है, ये यहाँ पर इसकी बैटरीज वगैरह लगी हुई हैं। ये देखो इस बस को तो मैंने ऑटो एक्सपो में दिखाया था, ये आई थिंक वॉल्वो की 9600 है, इलेक्ट्रिक ट्रक 9600 ही होगी, जी हाँ ये देखो वॉल्वो 9600। ये एक ही बस हर जगह खड़ी कर देते हैं क्या दिखाने के लिए। यहाँ पर इनका JBM का पवेलियन है, इलेक्ट्रिक बसेस इधर खड़ी हुई हैं। ये देखो इधर ये EKA ब्रांड है बस, यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल स्पोर्ट्स का मैंने दिखा दिया। इस वाले हॉल को भी मैंने पूरा कवर कर लिया है, वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी, पहले वाली हॉल की मिल गई होगी, और आगे और भी हॉल्स हैं। 3 दिन ये एक्सपो जो है चलने वाला है,
अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। फटाफट से लाइक कर दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दो। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो, कमेंट करना ना भूलिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। ये तो मैंने एक हॉल को कवर किया है, ऐसे ही मैं और भी हॉल्स को कवर करने वाला हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।